क्या आरोप करता है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो होता है जो बोलते हैं ना, कांच के घर में रह के झोपड़े पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। हम अगर आपकी पोल खोल करने लगे तो आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो अड्डे वाले लोग अड्डे का बात करेंगे ना, विकास का काम नहीं कर सकते। मैं यही कहता हूँ कि अच्छे काम करो, अच्छा निकाल मिलेगा। नियति किसी को माफ नहीं करती है, नियति के फेरे से कोई नहीं बचा है। आपकी नियत साफ रखो। रबाले स्थित अंबेडकर नगर के नवी मुंबई महानगर पालिका के राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। बता दें कि स्कूल में झोपड़पट्टी क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी क्षेत्र में कम ना पड़े, इसीलिए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने द्वारा हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए स्कूल ये केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि क्रीड़ा क्षेत्र में भी नवी मुंबई का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहा है। मगर अब विरोधक स्कूल के नाम पर पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साध रहे हैं, जिन्हें सुधाकर सोनावने ने करारा जवाब दिया है। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं लोग उसी को पत्थर मारते हैं। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने कहा कि हर साल ये स्कूल 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसीलिए जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं लोग उसी को पत्थर मारते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखिए, जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं पत्थर उसी पे मारा जाता है। ये राजनीतिक अड्डा है या दारू का अड्डा है या और किसी का अड्डा है, ये यहाँ की जनता नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है। हर साल में ये स्कूल कम से कम 2 राष्ट्रीय अवार्ड लेती है, कई प्रकार के राज्य स्तर के अवार्ड इसको मिले हैं। 250 से अधिक बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा जिनको लागू हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। जिनके पास रहने का घर नहीं है ऐसे बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। और जो कहते हैं ना कि इसको अड्डा बनाया गया है, तो वो अड्डे के सिवा दूसरा कहीं गए नहीं ना, उनको विश्व ही मालूम नहीं अड्डे के बाहर का। तो अड्डे वाली बात करेंगे तो उनको क्या अड्डा लगता है उसका एक्सप्रेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी के जितनी बौद्धिक क्षमता होती है उतना ही विचार कर सकता है वो। हम पोल खोल करने लगे तो आपको भागने के लिए जगह नहीं बचेगी। सुधाकर सोनावने ने ये भी कहा कि हमारे ये विचारों के राह पर चलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, हम मजबूर नहीं मजबूत समाज बनाते हैं। उन्होंने विरोधकों को ऐसा ताना भी कसा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कौन आरोप कर रहा है ये जरूरी नहीं, क्योंकि कांच के घरों में रहने वाले झोपड़ियों पर पत्थर नहीं मारते, और जब हम पोल खोल करेंगे तो आपको भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। हमारे यहाँ विचारों के साथ चलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, हम मजबूर नहीं बल्कि मजबूत समाज बनाते हैं। सवाल पूछने वाला समाज होना चाहिए, तभी जाकर तो आप सक्षम बन सकते हो। आप सक्षम बनोगे तो देश को सक्षम बनाओगे। तो यहाँ हमने गरीबों को ऐसी तालीम दी है, ऐसी शिक्षा दी है कि वो किसी के सामने मजबूर होकर सर नहीं झुकाएगा। इसलिए कौन क्या आरोप करता है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो होता है जो बोलते हैं ना, कांच के घर में रह के झोपड़े पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। हम अगर आपकी पोल खोल करने लगे तो आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे ये तो सारा का सारा नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर है। यहाँ कितने एकड़ की जगह जो है, एक एक इंच भूमि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, एकमात्र हम कॉरपोरेटर है ऐसे है कि सीना ठोक के यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमने करोड़ों की जो मालमत्ता है कॉरपोरेशन को यहाँ पर मिला के दी है। जैसे स्कूल है, ग्रंथालय है, उसके बाद में गार्डन्स है, उसके बाद में वहाँ पर दूसरी हिंदी स्कूल है, कई प्रकार के यहाँ पर जो निर्माण किए हैं, ये निर्माण सारे के सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर है, मेरे निजी नाम पर नहीं है। हमें मत छेड़ो, हम अच्छा काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने अपने विरोधकों को सलाह देते हुए कहा
कि किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये हमने महाभारत एवं रामायण में भी देखा है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं दोस्त, हमें मत छेड़ो। आपने तो सारी संपत्ति लपेट के आपने नीचे डाल दी है, कहा जब सुरंग लगेगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ भागोगे। हमें मत छेड़ो दोस्त, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने कभी आपको उंगली नहीं की है। थोड़े लालच में आके कोई अगर आपके हाथ लग गया और कोई सड़क छाप लोग अगर कोई ऐसा ये करने में, तो आप रामायण महाभारत से देखते आ रहे हो, इनके चक्कर में मत जाना। आप अच्छा काम कर रहे हो, समाज का काम कर रहे हो, हम सोचते हैं आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम करते रहो, उसको बिगाड़ने का प्रयास मत करो। पहले आपके प्रभाग के पालिका स्कूलों को सुधारो। सुधाकर सोनावने ने यह भी कहा कि आपके प्रभाग के पालिका स्कूलों की हालत देखो तो वहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता। पहले अपने स्कूलों की हालत सुधारो, वहाँ के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के इनाम लाने के लिए प्रेरणा दो और फिर हम पर निशाना साधो। रही बात स्कूल की, तो आपके घर में एक स्कूल मैंने वहाँ पर कॉर्पोरेशन का बनवा के दिया है, इसके बाद ही बनाए हो, क्या हालत है उसके देखो, वहाँ बैठ सकते हो क्या आप जाके? आप भी बनाओ जाके अड्डा वहाँ पर, इसी प्रकार बनाओ और बनाओ 100 से अधिक बच्चे वहाँ पर नेशनल टैलेंट वाले, स्टेट टैलेंट वाले, फिर आप इसके ऊपर आरोप कर सकते हो। अड्डे वाले लोग अड्डे की ही बात करेंगे, वो विकास का काम नहीं कर सकते। सुधाकर सोनावने ने ये भी कहा कि अड्डे वाले लोग केवल अड्डे की ही बात करेंगे, वो विकास का काम नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा काम करो और नियत साफ रखो, क्योंकि नियति किसी को माफ नहीं करती, ऐसा भी उन्होंने कहा। अड्डा यानी कि जो उनका वो अड्डे वाले लोग अड्डे का बात करेंगे ना, विकास का काम नहीं कर सकते। अरे जा, हम ये देख रहे हैं कि उनके भाषण के बाद में कई लोगों ने वहाँ जो जंगल में पानी की पाइपलाइन है वो पत्थर डाल के तोड़ दी। यानी आप किस लोगों को किस प्रकार से उकसा रहे हो वहाँ झाड़ तोड़कर झोपड़े बनाने के लिए? मैं तो झोपड़पट्टी का नेता हूँ, जो झोपड़पट्टी में रहता है उसकी रक्षा करना, उसको सारी सुविधा देना मैं मेरा दायित्व समझता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेतावनी दो और कुछ चार पागल लोग उठकर करने लगे। अरे जो घर में बैठा जो इंसान है वो भी बहुत ताकतवर है, वो सोचता है, तो सिर्फ आपके सामने नहीं आता, इसका मतलब उसको कमज़ोर मत समझना। और वो एक दिन अपना काम जरूर दिखा देता है, और कई बार उसने दिखाया है। मैं यही कहता हूँ कि अच्छे काम करो, अच्छा निकाल मिलेगा। नियति किसी को माफ नहीं करती है, नियति के फेरे से कोई नहीं बचा है, आपकी नियत साफ रखो। आप गरीबों से वोट लेते हो तो उनके लिए काम करो। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने ये भी कहा कि आप गरीबों से वोट लेते हो तो आप उनके लिए ही काम करो और उनके बारे में ही सोचो। कब बने ये भी नहीं तुम जानते हो, 20 से 25 साल स्कूल को बन के 25 साल हुए है क्या? अरे आप ये नहीं जानते हो आप कितने दिन से कॉर्पोरेटर कुआ मुंह में आया शब्द डाल देते हो। अरे ये स्कूल को बने बने 12-13 साल हुए है, 12-13 साल पहले ये स्कूल हमने बनवाई और उसके बाद में हम सब तो गले में हाथ डालकर एक साथ काम करते थे। उस समय आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो स्कूल, उस समय आपने वहाँ भी दवाखाना बनाया, वहाँ भी स्कूल बनाए जिन पर, तो उसकी देखरेख करो ना, उसको इस प्रकार से बनाओ ना। लेकिन वहाँ कॉर्पोरेशन के स्कूल मतलब एकदम निचले स्तर पर और आपने निजी स्कूल वो स्तर पर, तो गरीब कहाँ पड़ेगा, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? आप तो गरीब के वोट लेते हो ना, तो गरीब के लिए काम क्यों नहीं करते हो? गरीब के बारे में सोचो ना। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।